नमस्ते, आई होप कि आप सभी अच्छे हो और आपका हेल्थ भी अच्छा हो। लिक्विड लिपस्टिक हम सबको पसंद है, पर कौन सा खरीदे? मार्केट में इतने सारे लिक्विड लिपस्टिक्स है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम के सलूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ 14 डिफरेंट लिक्विड लिपस्टिक शेयर करूंगी जो इंडियन मार्केट में इजिली आपको मिल जाएगा और जो मेरे फेवरेट है। तो पहले के जो 5 लिक्विड लिपस्टिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है, यानी 200-300 रुपए के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला है ये वाला मिस क्लियर। हम सबको पता है कि मिस क्लियर ब्रांड बहुत फेमस था 2 साल पहले तक, तो बहुत ही ज्यादा फेमस। ये शेड नंबर 40 मेरे पास है, ये ऐसा शेड है। मेरे पास जो भी शेड्स है ना, वो सारे ऐसे न्यूडी पिंकी लाइट शेड की है। डार्क शेड्स के लिपस्टिक बहुत ही मतलब ज्यादा है, पर अभी इस कलेक्शन में मैंने नहीं लिया है। सेकंड जो लिपस्टिक है वो है ब्लू हेवन का लॉन्ग वेल लिप कलर। ये डार्क शेड का लिपस्टिक है, ये 105 रुपीस का था जब मैंने खरीदा। अच्छा है, बट थोड़ा सा ज्यादा मुझे केकी लगता है। जैसे मिस क्लियर का फॉर्मूला जैसे कि थोड़ा ड्राई हो जाता है, मैट हो जाता है, बहुत ही अच्छा एक फिनिश देता है। इसका मुझे थोड़ा सा केकी जैसा लगता है, एज यू कैन सी, बट 105 रुपीस के लिए काफी अच्छा है। नेक्स्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट, जो कि इतने सस्ते दाम में इतना अच्छा लिपस्टिक मिलता है, वो है गाला ऑफ लंडन का लिपस्टिक। ये ना बहुत ही प्यारा सा शेड है, मैं हमेशा ये शेड जब अप्लाई करती हूँ, आप लोग मुझसे पूछते रहते हो। दिस इज द शेड, दिस इज ब्यूटीफुल पिंक। इस शेड का नाम है 04 सेटल पिंक। गाला ऑफ लंडन के लिक्विड लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत ही अच्छा फिनिश देता है, जो टेक्सचर है काफी अच्छा है, सो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। एक और लिपस्टिक है जो कि काफी मुझे पसंद है, ये है इन कलर का मैट मी अल्ट्रा स्मूथ मैट कलर लिपस्टिक। इन कलर के लिपस्टिक भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और इसका प्राइस भी इतना ज्यादा नहीं था, बट इसका जो ये वाला शेड है ना, ये न्यूडी ब्राउनी शेड, आप अगर जनरली मुझसे कभी मिलते हो रस्ते में, तो आप देखोगे कि इस टाइप की शेड्स ही मैं ज़्यादातर अप्लाई करती हूँ। आई लव सच शेड्स, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल न्यू शेड, स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए। इसके इन कलर के लिपस्टिक भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एकदम मैट फिनिश होता है, एकदम सूख जाएगा। आप देख ही सकते हो, ये गाला ऑफ लंडन का लिपस्टिक ऑलरेडी सूख चुका है, इन कलर का लिपस्टिक भी अभी कुछ ही सेकेंड्स में सूख जाएगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छा है, गुड इन्वेस्टमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजट वाले रेंज में है ये एलए कलर का मैट लिक्विड लिप कलर। इसका शेड है पैम्पर्ड। ये जो शेड है ये भी काफी ब्यूटीफुल सा शेड, थोड़ा सा डार्क पर्पलिश सा शेड है। ये लिक्विड लिपस्टिक भी मैट हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही अच्छा फिनिश देता है, और इसका प्राइस भी 200-300 के अंदर ही है। तो ये तो 5 थी बजट वाली, अभी देखते हैं नॉट सो बजट वाला, यानी 300 रुपए से ज्यादा वाली की लिपस्टिक। ये है शुगर का स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक, ये भी 200 समथिंग का अभी ऑफर में नायका में मिल रहा है, सो यू कैन यू ऑल्सो ट्राई दिस वन। इसका भी शेड ये एलए कलर्स के लिपस्टिक जैसा है, एज यू कैन सी सच अ प्रिटी कलर, ओ माई गॉड आई लव दिस शेड। इसका नाम है वाइन एंड शाइन, उनका शुगर का बेस्ट सेलर है ये वाला शेड, सो डेफिनेटली अगर आप खरीद रहे हो स्मज मी नॉट लिपस्टिक, तो वाइन एंड शाइन ही खरीदना। इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपने लिपस्टिक्स को खा लेती हूँ ना, तो जब मैं खाना वाना खाती हूँ उसके साथ अपने लिपस्टिक को भी खाती हूँ, और बीच में से थोड़ा सा हट जाता है, वही मुझे एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगता है शुगर के स्मज मी नॉट लिपस्टिक के साथ। अदरवाइज दिस आर परफेक्टली फाइन लिपस्टिक्स, और लिक्विड लिपस्टिक के लिए तो बहुत ही अच्छा है, फॉर्मूला काफी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग, लिप्स पे जो कलर आता है लिपस्टिक का वो काफी। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है, आई एम नॉट श्योर कि ये वाला इंडिया में मिलता है या नहीं, ये है बॉन्जोर का लिपस्टिक। ये है रोश एडिशन वेलवेट लिपस्टिक, इसका शेड है 06। दिस इज द लिपस्टिक जो मैंने अपने शादी के रिसेप्शन वाले दिन भी अप्लाई किया था, तो मेरे पास कितने सेम कलर के लिपस्टिक है, जस्ट थोड़ा सा शेड ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क है, और ये थोड़ा उससे भी लाइट है, सो यही सिर्फ शेड्स में डिफरेंस है। मेरे पास ऐसी सेम कलर की हजारों लिपस्टिक्स मौजूद है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की, ऑफकोर्स क्योंकि ये सारे कलर्स ऐसे हैं जो मैं काफी ज्यादा पहनती हूँ, मतलब अप्लाई करती हूँ अपने लिप्स पे, सो आई लव दिस वन। नेक्स्ट है मेवलिन का लिक्विड लिपस्टिक, ये है मेवलिन का विविड मैट लिक्विड लिपस्टिक। मेबेलिन के लिपस्टिक के बारे में मैं आपको अलग से क्या बताऊँ, सबको पता है मेबेलिन के लिक्विड लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। सो दिस इज द टेक्सचर, एज यू कैन सी कितना स्मूथली ग्लाइड ऑन होता है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, सूख जाता है तो एक मैट फिनिश आता है। इसका शेड है 45 पजेस्ट
प्लम। नेक्स्ट लिपस्टिक है दी बॉडी शॉप का मैट लिक्विड लिपस्टिक। ये भी आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा अप्लाई करती हूँ बिकॉज ऑफ द शेड। इसका शेड है टोक्यो लोटस 024। ये शेड भी मुझे काफी पसंद है, डेली वेयर के लिए मैं हमेशा ये शेड की तरफ ही जाती हूँ। ये भी एक पिंकी शेड है, पिंकी बहुत ही क्यूट सा शेड है टोक्यो लोटस। नेक्स्ट है लॉरियल का लिप पेंट मैट लिपस्टिक। ये है लॉरियल का लिपस्टिक। ये वाला जो लिपस्टिक है मैं इसकी ज्यादा फैन ही हूँ क्योंकि इसका जो ये फॉर्मूला है ना, इफ़ यू कैन सी, थोड़ा सा ज़्यादा केकी, थोड़ा सा कैसा मुझे डिस्टर्बिंग फॉर्मूला लगता है। ये शेड काफ़ी अच्छा है बाय द वे, ये शेड मुझे काफ़ी पसंद है, स्पेशली जब मैं स्मोकी आईज लुक करती हूँ देन दिस न्यूडी जो शेड है ये काफ़ी अच्छे से जाता है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, अगर आपको थोड़ा सा केकी फॉर्मूले से कोई प्रॉब्लम नहीं है देन दिस इज अ गुड परचेज फॉर यू। नेक्स्ट है रेवलॉन का अल्ट्रा HD मैट लिप कलर। इसका जो शेड है थोड़ा सा डार्क शेड है, मैं जनरली ऐसे डार्क शेड यूज नहीं करती हूँ बट डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारे ऐसे शेड्स हैं जो कभी कभार तो मैं यूज कर ही लेती हूँ। दिस इज द शेड, एज यू कैन सी दिस इज सच अ डार्क, एकदम बर्गंडी डार्क शेड है। इसका स्मेल काफी ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है NYX लेंजरी का लिपस्टिक। मुझे ये शेड मिल ही नहीं रहा है, इस शेड का नाम है सिडक्शन। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाला शेड, पर एज यू नो कि मुझे अभी ये मिल नहीं रहा है, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। आई डोंट नो मुझे कब मिलेगा। क्या आपने देखा कितनी स्मूथली ये अप्लाई हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है, और ये शेड ओ माय गॉड, किसी भी इंडियन लड़की के ऊपर ये वाला शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज सच अ प्रिटी शेड, ब्राउन पीच न्यूड, मतलब एक कॉम्बिनेशन है सारे शेड्स का। नेक्स्ट है हूजा ब्यूटी का लिक्विड मैट लिपस्टिक। इस शेड का नाम है आइकन, ये भी वन ऑफ माय फेवरेट है। इसके अलावा रेड ट्रेंड सेटर जो हूडा ब्यूटी का है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। ये भी एक न्यूड शेड है, डेफिनेटली दिस इज अनादर गुड परचेज, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप हाई एंड लिपस्टिक के अंदर स्पेंड करना चाहते हो तो हूडा ब्यूटी के लिपस्टिक के ऊपर खर्च कर सकते हो। नेक्स्ट बारी है एसेंस के मेटल शॉक लिपस्टिक। ये लिपस्टिक नहीं है, ये लिपस्टिक टॉपर है, एक शिमरी टॉपर है, तो किसी भी लिपस्टिक के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, सिंपली भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, बट मैं सिंपली अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं इसे किसी लिपस्टिक के ऊपर थोड़ा सा टॉप कर देती हूँ ऐसे, जैसे कि इस लिपस्टिक के ऊपर थोड़ा सा टॉप कर दिया, एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो, एक बहुत ही एडेड ग्लो, एक शिमरी लुक आ गया। मैं अगर मैं इस एसेंस के लिप पेंट को सिंपली अप्लाई करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जो मेकअप है वो वॉश आउट हो गया है, लिपस्टिक वॉश आउट हो गया है, मेरे लुक के ऊपर अच्छा नहीं लगता, मेरे स्किन टोन के ऊपर अच्छा नहीं लगता है। इसका शेड है 04 मर्करी। तो गाइस ये तो थी 14 मेरे फेवरेट लिक्विड लिपस्टिक। तो अगर आपको ये वीडियो और ऐसे टाइप के लिपस्टिक स्वेचेस वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपका फेवरेट शेड या लिपस्टिक कौन सा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब के पास के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, घर में रहिए, हैप्पी एंड हेल्दी रहिए, स्टे ब्लेस्ड।